सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल सीजन 9 इज इंचिंग टुवर्ड्स द नॉकआउट स्टेजेस। 6 की 6 टीमें आपस में मद्दे मुकाबले हैं और कोशिश कर रही हैं कि टॉप 4 में फिनिश करें। आज जो है मैच कराची के स्टेडियम में होना है, नेशनल स्टेडियम में। उसमें मुल्तान सुल्तान जो पॉइंट्स टेबल पे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, उनका मुकाबला है कराची किंग्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज नेशनल स्टेडियम खचाखच भरा होगा ऑडियंसेस के साथ, एक्सपेक्टेटर्स के साथ, क्योंकि कल जो दो मैचेस थे दोनों वॉश आउट हुए हैं और चारों टीमों को एक एक पॉइंट मिला है, जिसके बाद इस्लामाबाद की पोजीशन और पेशावर की पोजीशन और मुस्तहकम हो गई है। कराची के लिए आज का मैच बहुत अहम है ताकि वो इस्लामाबाद से लीड लेकर टॉप 4 में जगह बना सकें। आज के शो में आज के होने वाले मैच पे डिटेल से बात करेंगे और टॉप 4 में कौन सी टीमें फिनिश करने वाली हैं वो भी अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ हैं पाकिस्तान के मायानाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। फवाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। सबसे पहले क्योंकि कराची में मैच हो रहा है, हमारे जो दोनों एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं उनसे जरा ये पूछ लेते हैं कि आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेटर्स और इन टर्म्स ऑफ मैच, क्या एक्सपेक्ट करें और क्या आप खुद भी मैच देखने जा रहे हैं अरुण साहब? देखिए मैच तो मैं ज़्यादातर इंजॉय करता हूँ टेलीविजन पे, क्योंकि आप उसकी बहुत बारीकियों के साथ देखते हैं, आपको एक्शन रीप्ले भी मिलता है। ग्राउंड में तो आपको पता हंगामा खेजी होती है, आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, कोई आउट हो गया, कोई कैच हो गया, तो वो अपना अपना हुआ। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं टेलीविजन पर मैच देखूँ, लेकिन जहाँ तक इस मैच के आप जिक्र कर रहे हैं, यस कराची के लिए तो बड़ी ही यू नो इस वक्त गंभीर सी सिचुएशन है, बावजूद इसके कि उनके पास मैचेस ज़्यादा हैं। अगर उसमें से 2 या 3 मैच वो जीत लेते हैं तो उनके पास चांसेस हैं कि वो चले, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं वो आपको यू नो कॉन्फिडेंस नहीं देती कि कराची की टीम जो है वो आगे चली जाएगी। आप कई जगहों पे ऐसा लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, नहीं कर सकते, और कई ऐसा लगता है आप आउट कर लेंगे लास्ट ओवर में, आप 20 रन करा देते हैं। हारून भाई ये वो स्टेज है जहां टीमों को दे हैव टू स्टेप अप, और आपकी बात बिल्कुल सही है। कराची हमारी क्योंकि सपोर्ट है कराची से बींग कराची आइट, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये टीम मैच मार सकती है। फवाद साहब आपको लगता है कि कराची वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएगी आज के मैच में? देखिए कराची टॉप टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहा है और बदकिस्मती ये है कि जो उनका बेहतरीन परफॉर्मर है वो भी आज नहीं होगा। कार्ड जा चुके हैं जमुना नगर शादी में, और ये भी एक बड़ी बहस है कि जी पीएसएल ने कैसे अलाउ कर दिया और क्या कुछ हो गया। तो मैंने कहा पीएसएल कैसे नहीं अलाउ करेगा, आप सिर्फ देखें दुनिया के कौन से कोने से लोग वहाँ पहुँचे। और वो फवाद एक चीज थी कि मैंने ये भी पढ़ा था कि वो 3 के मैच से पहले पहले वापस आ जाएंगे। नहीं जी आज के मैच से पहले तो वापस नहीं आ रहे, अगले मैच से पहले आएंगे। इस वक्त तो वो वहाँ इवेंट में है और सारी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कराची के लिए कि आप इस वक्त इस सिचुएशन में कि जहां एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ मेरी नज़र में हारून भाई इसको वाजे बताएंगे, जब आप टीम से बाहर होते हैं फिर आप आते हैं एक दिन पहले, फिर अगला मैच होता है, तो वो प्लेयर भी जो एडजस्ट किया हुआ होता है उसे भी ऑल्दो वो प्रोफेशनल है आसान नहीं होता। अब वो इस्लामाबाद में अगला मैच जब खेलेंगे कराची तो वहां पोलार्ड मिलेंगे, तो कराची की मुश्किलात तो हैं फैसले। एब्सोल्युटली वी विल डिस्कस इन डिटेल के कराची का क्या टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कायरन पोलार्ड की जगह किसको टीम में आना चाहिए। एक नजर क्योंकि हम सब बात कर रहे थे पॉइंट्स टेबल पे, एक नजर डाल देते हैं कि पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है ताकि हमें और अंदाजा हो कि अभी मुल्तान सुल्तान कितना पावरफुल चल रहा है पॉइंट्स टेबल पे, और कराची को यू नो इस्लामाबाद और पिशावर को बीट करने के लिए आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू लुक एट द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ, मुल्तान सुल्तान इज ऑन टॉप विद 10.6 मैचेस, क्वेटा इज ऑन द सेकंड पोजीशन विद 9.6 मैचेस, पिशावर जलमी इज ऑन थर्ड पोजीशन 7 पॉइंट्स हैं 6 मैचेस के बाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 5 पॉइंट्स हैं 6 मैचेस हैं, कराची किंग्स 5th ऑन द टेबल 5 मैचेस 4 पॉइंट्स, और लाहौर कलंदर 7 मैचेस 1 पॉइंट। लाहौर कलंदर्स का कल का मैच, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि कल का मैच का वॉश आउट होने का बहुत बड़ा नुकसान है लाहौर के फैंस के लिए, लाहौर की टीम के लिए, एंड वी ऑल अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट लाहौर टीम इज़ फॉर दिस टूर्नामेंट। लेकिन हारून भाई जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, दे कैन स्टिल यू नो स्पॉइल सम ऑफ द पार्टीज, वो इस्लामाबाद और पिशावर को अगर हराएंगे तो कराची का चांस बनेगा। डेफिनेटली आई थिंक बहुत डिसअपॉइंट किए लाहौर की टीम ने, लाहौर की टीम बहुत अच्छी थी जिसको अच्छा करना चाहिए था, डिफेंडिंग चैंपियन भी थे,
लेकिन सम ऑफ द अदर यू नो क्लिक नहीं कर सके एज ए टीम, ना उनकी बॉलिंग ने कोई कारनामा दिखाया, ना उनकी बैटिंग ने कोई खास, क्योंकि उनके जो की प्लेयर्स थे वही परफॉर्म नहीं कर सके. बिल्कुल ऐसे ही फखर जमान परफॉर्म नहीं कर सके. इवन अगर देखा जाए बॉलिंग में आपके जो उनके पास वो अनफिट हो गए हारिस रऊफ जमान खान अच्छा आकर डिलीवर नहीं कर सके. ठीक है पैचेस में शाहिन शाह ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुझे सिर्फ उनका इशू ये था कि उनके पास जो बैकअप बॉलर्स हैं ना जिसमें स्पिनर्स आते हैं वो इस क्वालिटी के नहीं थे कि वो किसी भी टीम के राशिद को रिप्लेस कर दें या मैच जिता सकें. फवाद भाई कराची पे आते हैं, उन्होंने हमेशा बहुत सारी चॉपिंग एंड चेंजिंग की है. कुछ प्लेयर्स उनके साथ जैसे शोएब मलिक हैं काफ़ी अर्से से रहे हैं, लेकिन उनका अगर आप कोचिंग स्टाफ देखें वो भी चेंज होता है. अभी उनके कोचिंग स्टाफ में फिल सिमंस हैं जो पुराने वेटरन हैं, उनके होने से अब उनकी टीम में जो चेंजेस करनी है, डू यू थिंक के दे विल बी एबल टू कम अप विद अ टीम? कुछ प्लेयर्स भी हैं जैसे शमसी हैं जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जैसे आपने ऑफ कैमरा में कहा कि उससे बेहतर तो शोएब मलिक परफॉर्म कर रहे हैं. सो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू कम अप विद द राइट प्लान टू कोप अप मुल्तान सुल्तान्स टुडे? देखिए प्रॉब्लम सारी ये आ रही है कि जो सर्कल में 6 ओवर में रन होने चाहिए ना, हाँ. वो स्टार्ट भी नहीं कराची को मिल पा रहा. yes. पिछला मैच कराची खुशकिस्मती रे वो रही कि कैच छूटा, फिर अनवर अली ने आखिर में आके रन कर दिए और मैच अच्छा भी हो गया. कॉम्बिनेशन जो है ना, अगर आप पहले 5 मैचेस में नहीं बनाते ना और आप फिर आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि टॉप 4 में जगह बनाए, तो वो आपके लिए और मुश्किल होता है. फिर आप पोलार्ड है इस वक्त जैसे वो चला गया, उसका रिप्लेसमेंट पोलार्ड जैसा नहीं है. बिल्कुल पोलार्ड का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं है कि जो पोलार्ड के करीब भी कोई यहाँ पर मौजूद है फिर वो परफॉर्म करता आ रहा है. बिल्कुल आपको एक सुकून है कि जी 15 या 14 ओवर के बाद पोलार्ड आता है, अगर टीम फंसी हो तो वो रन कर जाता है. yes. तो वो भी नहीं है. तो बहुत सारी मुश्किलें आप मुकाबला उस टीम से करने जा रहे हैं कि जिसकी तैयारी है कि उसकी ए नहीं तो बी टीम भी बड़ी बड़ी टीमों को मार रही है. उनके स्पिनर्स फैसल अकरम आते हैं तो वो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, आफताब इब्राहिम को वो खिला रहे हैं. मुल्तान के कॉम्बिनेशन पे हम बात करेंगे. बड़ी आउटस्टैंडिंग टीम चल रही है मुल्तान सुल्तान, लेकिन आज किस प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं बिकॉज उनका कराची में पहला मैच है. लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चले जाते हैं ताकि हमारे सोशल मीडिया के जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें, सवाल का जवाब दे के एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकें. आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि PSL की हिस्ट्री में बहैसियत कैप्टन किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं. उसके 4 ऑप्शन हैं. नंबर 1 इज इमाद वसीम, नंबर 2 सरफराज अहमद, नंबर 3 शादाब खान, नंबर 4 मोहम्मद रिजवान. गिव द राइट आंसर एंड गेट द चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइसेस. ऑलराइट, सो पहले हम अभी थोड़ा सा और कराची पे बात कर लेते हैं. अरुण साहब, अगर आप यू हैव द कार्ड वेयर यू हैव 15 प्लेयर्स ऑफ कराची किंग्स, क्या लगता है आपको कायरन पोलार्ड को कौन रिप्लेस करेगा और आपको लगता है कि हमजा जो है वो दोबारा मीर हमजा टीम का हिस्सा आज बनेंगे दोबारा? बिल्कुल ये चेंजेस तो मुझे एक्सपेक्टेड है. मैं जो फर्दर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो कि फवाद ने अभी कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, देखें ये सिर्फ खेलने की हद तक ही नहीं है. जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, जब आप टीमें सेलेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने रिजर्व में जो प्लेयर्स चुने हैं क्या वो ऐसे प्लेयर्स चुने हैं जो कि रिप्लेस कर लें किसी एक अच्छे प्लेयर को, अगर वो अनफिट हो जाता है या किसी वजह से वो आउट ऑफ फॉर्म होता है कोई ऐसी. ये चीज़ कराची ने अच्छी नहीं की. वेर एज अगर आप मुल्तान को देखें, मुल्तान का कोई भी प्लेयर अनफिट हो जाए उनके पास रिप्लेसमेंट ऐसा मौजूद है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा होमवर्क किया हुआ था. क्योंकि उस वक्त जब आप बैठ के कोच कैप्टन और सब जब वो प्लेयर्स की लिस्ट आपके पास होती है, आपने मेन प्लेयर्स आपने पिक कर लिए, उसके बाद कौन से प्लेयर्स पिक करने जो रिप्लेस कर सकते. एब्सोल्युटली. हां, तो अगर हेड टू हेड की तरफ नजर डालें ना तो थोड़ी सी हमें रिलीफ होगा कि बड़ा एक्साइटिंग हेड टू हेड है. इफ वी कैन लुक एट द हेड टू हेड राइट नाउ, कराची किंग्स ने 6 मैचेस जीते हैं, मुल्तान सुल्तान ने भी 6 मैचेस जीते हैं. दिस इज वेयर यू हैव सम कॉन्फिडेंस के कराची मुल्तान के अगेंस्ट अच्छा खेलता है बिकॉज मुल्तान की एक ऐसी टीम है जो कंसिस्टेंट रही है पिछले तीनों सीजन में. उनसे अच्छी कोई टीम नहीं, ऑल्दो लाहौर जीता है कप्स, लेकिन मुल्तान हैज बीन अ ग्रेट टीम. सो कराची ने उनसे 6 मैचेस जीते हैं. और अगर फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग की बात की जाए वो भी काफ़ी इक्वल है. मतलब कराची ने भी 3 मैचेस जीते हैं, मुल्तान ने भी 3 मैचेस जीते हैं, प्लेइंग सेकंड भी दोनों ने 3-3 मैचेस जीते हैं. सो हारून साहब, दिस इज समथिंग वेरी इंकरेजिंग फॉर कराची के दे प्ले बेटर अगेंस्ट. देखिए हमेशा आपको मैं बताऊंगी ये जो स्टैट्स जैसे हेड टू हेड है ये सारी चीज़ें जो है ना यू नो सिर्फ फिगर्स की हद तक है क्योंकि एवरी डे इज़ ए न्यू गेम. यू नो आप जब देखते हैं कि जिस दिन आप खेलने गए हैं उस वक्त आपका कॉम्बिनेशन कैसा है, क्या ऑलराउंड पैकेज है कि नहीं है. मेरे अपने नज़दीक कराची के पास ऑलराउंड पैकेज नहीं है. आप देखेंगे उनका कैप्टन स्ट्रगल कर रहा है. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब कैप्टन स्ट्रगल करेगा तो टीम के ऊपर भी उसका असर बुरा पड़ता है. वेयर एज अगर मुल्तान को देखें सिवाय एक या दो इनिंग्स के रिजवान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. सो जब कप्तान कर रहा तो सारी की सारी टीम जो है ना उसके पीछे खड़ी भी होती है. सो यहाँ पर आप देखें कि अभी भी वो प्लेयर्स जो कि मेरे अपने नज़दीक यू नो रिटायरमेंट
कि स्टेज पे हैं या हो चुके हैं, अपने अपने मुल्कों से वो नहीं खेलते और वो आगे कराची की टीम में डोमिनेट कर रहे हैं। दिस शोज के कराची की जो टीम है उसमें डेप्थ नहीं है। बिल्कुल सही है फवाद साहब। शान मसूद कराची किंग्स के कैप्टन है, वो पहली बार इस सीजन में उनके कैप्टन बने। हमें पता है मुल्तान सुल्तान को उन्होंने कब जिताया हुआ है और ये एक सीजन प्लेयर है, उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समझदार क्रिकेटर हैं, कि वो एक दो हार के बाद वो समझेंगे। कुछ गलतियां हुई, नवाज को नहीं यूज़ किया गया, शोएब मलिक का एक ओवर पिछले मैच में नहीं यूज़ किया गया। डू यू थिंक ही इज़ द राइट प्लेयर टू बी इन दिस सिचुएशन एज अ कैप्टन ऑफ कराची किंग्स एंड ही इज़ गोइंग टू लिफ्ट द टीम टूवर्ड्स सक्सेसेस के वो टॉप फोर में फिनिश कर सके और आज के मैच में भी अच्छा वो कॉम्बिनेशन लेके उतर सकते हैं? देखिए, कर सकेंगे वाली बात नहीं है, करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि उसके बगैर कोई बचत नहीं है आप, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने भरोसा किया है। आप कराची जहाँ से आपका ताल्लुक, जिस शहर से, उस टीम के लिए वापस आए हैं। टीम भी चेंज हुई है, मैनेजमेंट भी चेंज हुई है। इवन फॉर हिज करियर इन PSL इट्स इम्पोर्टेंट कि वो किसी टीम में लॉन्गर रन के लिए कप्तान रहे, तो शान मसूद के लिए उनके लिए। और मैंने सवाल इसलिए भी पूछा है कि यू हैव कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ व्हाट ही हैज डन फॉर क्रिकेट, सो यू कैन बेटर टेल अस के यार। और साथ साथ फैसल मसला सारा जो मुझे नजर आ रहा है ना, कि शान को अपने होल से निकलना पड़ेगा, ठीक है, एज अ बैट्समैन, एज अ बैटर, जिसमें वो खुली, उन्हें ये जहन में रखना पड़ेगा। देखिए, फैसला काफी हद तक T20 क्रिकेट का ना, पहले 6 ओवर और आखिर के 3 ओवर ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 6 ओवर में जो टीम जीत जाती है ना, बहुत कम होता है कि वो आखिर में जाके मैच हारे। अगर आप 60 रन पे एक आउट है तो बहुत कम होता है। तो आप यहाँ पर आपने रन करने और विकेटें भी अपने हाथ में रखनी है, क्योंकि प्रॉब्लम कराची की अभी तक के जो मैचेस हैं ये आई है कि बीच में शोएब ने और पोलार्ड ने जाके काफी टीम को बचाया, पिछले मैच में फिर अनवर अली ने, तो ऊपर से रन नहीं हो रहे। अगर ऊपर से हो जाए तो बीच में उनका एक ऐसी टीम है कि जो उन्हें आगे लेके जा सकती है। ऑलराइट, सो आई एम श्योर द एंटायर कराची इज एक्साइटेड टुडे बिकॉज़ मुल्तान सुल्तान और कराची का मैच है और कराची एक टॉप ऑफ द टेबल टीम से खेल रहा है और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कराची को आज परफॉर्म करना पड़ेगा, शान मसूद को आज परफॉर्म करना पड़ेगा। सो एक तो हम दोनों अपने एक्सपर्ट से प्रेडिक्शन आज का ले लेते हैं और हारून साहब से ये भी हम चेक कर लेते हैं कि हारून साहब, जो जो बात हमने फवाद से पूछी, आपको लगता है कि शान मसूद हैज द इनफ पावर? नहीं, व्हाई नॉट। देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पीछे परफॉर्म नहीं किया हुआ। आई थिंक उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, T20 में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी रही हैं, लेकिन समहाउ द अदर इस लीग में, यू नो, इस PSL 9 में उनकी परफॉर्मेंस एज ए बैटर इतनी अच्छी नहीं है। और देखें, जब आप एज ए बैटर अच्छा नहीं कर रहे होते तो आप फील्ड में भी, यू नो, क्योंकि आपकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होती है एज ए बैट्समैन, तो आप फील्ड में कप्तानी कर रहे हैं, थोड़े रस्टी दिखे हैं। बिल्कुल, आपने देखा हो, एक डिसीजन मेकिंग में कैच का डिसीजन था जो हारिस राउत ने लिया था, उसको उन्होंने कहा यार ये आउट नहीं है, इस वाले मैच में जो एक रन बना था उस पे भी वो लड़ने आ रहे थे। So ये एक इशू है, लेकिन मेरे अपने नजदीक देखें, कराची के पास चांस तो है, ऐसे तो नहीं है, उसके पास 5 मैचेस हैं अभी। हारून भाई, प्रेडिक्शन? 2 से 3 प्रेडिक्शन में मैं देखें, क्योंकि ऑलराउंड पैकेज मुझे नजर आता है मुल्तान सुल्तान, ठीक है ना, मुल्तान सुल्तान मुझे नजर आता है, बड़ा अच्छा पैकेज है सर आज, लेकिन मैं आज कराची की, अरे सर आई लव यू सर, ये बात हुई ना सर, आज कराची, अगर कराची की तरफ जाएंगे तो कोई चांस बनेगा, सीरियसली मैं रियली, यू नो, लीग की अच्छाई के लिए मैं चाहता हूँ कराची आज मैच जीते, तो मैं बैक कर रहा हूँ आज कराची। सुपर सुपर, सो दिस इज हाउ यू प्ले, यू नो, आउट ऑफ द क्रीज। और हारून भाई ने कराची को पिक किया है उसूली तौर पे ना, आपने हारून भाई को पुश किया है। मैंने कोई घर में दिल से बात करेंगे ना हारून भाई, क्योंकि मेरिट पे मुकाबला मुल्तान काफी आ गया, ठीक है, तो मेरिट पे तो ये बेचारे भी क्या करें कि मुल्तान के बगैर, सीरियसली आप देखिए ना, एक तो पोलार्ड भी नहीं है, ये सही पोलार्ड भी नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि मैं क्यों इसके लिए, 2 मैचेस बहुत क्लोज खेले हो कराची और 2 मैचेस क्लोज खेल के वो हारे हैं, और मैं सर इस तीसरे में बनता है कि वो जीते। फौज भाई अपना जवाब दे, लेकिन इस 2 मैचेस के हवाले से मेरे पास एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी आया, वो मैं पूछूंगा। फौज भाई, आपकी टीम? मैं बड़ा रिस्क ले चुका हूं, तो जो फेवरेट टीम है तो उसी के साथ विल गो विद मुल्तान। ऑलराइट, सो मैंने क्योंकि आज ब्लू पहना है तो आई विल गो विद कराची, और मैं ज्यादातर हारून भाई के साथ गया हूं। हमने सिर्फ इसलिए किया है आज टाई अप के आपका एक पॉइंट बढ़े, और आखिर में ये ना हो कि मेरे दो नीचे, ये नेवर, नहीं यहां एक एक पॉइंट बढ़ता कम है। सो अपने स्कोर्स भी दोबारा दिखा देते हैं, कोई खास चेंज नहीं हुआ बिकॉज 2 मैचेस वॉश आउट हो गए थे। तो हारून भाई इज स्टिल लीडिंग विद 11 पॉइंट्स, फैसल इलियास हैज 10 पॉइंट्स एंड फवाद भाई इज ऑन 7 पॉइंट्स, और आज हमने फुल खुला ग्राउंड दिया फवाद भाई को जीतने का। लेकिन उम्मीद है हारून भाई, इस जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि दोनों पिछले मैचेस क्लोज हुए हैं, कराची की पिच का बिहेवियर भी सर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे सेकंड बैट करना थोड़ा रिलेटिवली आसान रहा है कंसिडरिंग के 2 दिन, 1 दिन बारिश हुई है, हेविली रेन हुआ है, आपको लगता है कि
आज भी इवन स्टीवंस रहेगा दोनों मैचेस के लिए एंड स्पिनर्स कैन प्ले अ रोल। देखिए एक तो ओवर जो पीछे बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कितनी जल्दी, क्योंकि आज धूप भी निकल आई थी, कल भी धूप निकली हुई थी, सो मे बी ऐसे जितना ज़्यादा तो इशू नहीं होगा, और आज क्योंकि क्लाउड भी नहीं है तो यू नो ड्यू का फैक्टर भी हो सकता है, तो सेकेंड बैटिंग यू नो कुड विन यू अ मैच। मेरे अपने नज़दीक क्योंकि जैसे ये अभी बात कर रहे थे फवाद भी कि क्योंकि मुल्तान सुल्तान के ना बॉलिंग में भी बहुत वेराइटी है, दे हैव अ लेग स्पिनर, दे हैव अ लेफ्ट आर्म यू नो गुगली चाइनामैन, दे हैव अ यू नो ऑफ स्पिनर इन द शेप ऑफ इफ्तिखार, एंड देन यू नो सम गुड मीडियम पेसर्स जो कि विकेट्स भी लेते हैं। अगर आप देखें मोहम्मद अली जो है उन्होंने मेरे अपने नज़दीक जो है ना एज ए बॉलिंग पैकेज तो बहुत अच्छा है, तो मेरे नज़दीक अगर कराची आई डोंट नो पहले बैटिंग करके इनफ रन्स ऑन द बोर्ड लगा दे और देन उसको डिफेंड करे तो ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल सही, और कराची ने पिछले दोनों मैचेस में जो कराची में हुए पहले बैटिंग की है और अगर वो रन्स 180 प्लस करते हैं तो दिस कुड बी अ गुड मैच। फवाद भाई हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान जितनी तारीफ की जाए कम है, जिस तरह उन्होंने अपने स्पिनर्स को यूज़ किया है, क्योंकि हमने फिल सिमंस का सवाल किया था और हम एक चीज़ बड़ी डिबेट होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि यार कोचेस क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे जितने पुराने प्लेयर्स हैं वो कहते हैं यार कोच जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए ना कोच इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी अपनी रीडिंग ये है कि कोच हैज़ सम इंपॉर्टेंस, इफ़ अ प्लेयर इज़ गोइंग थ्रू रफ टाइम तो वो उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करता है और वो बड़ा क्लियरली दिखा है, जिस तरह मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स ने कम बैक किया है वो दिख रहा है। सो वॉट्स योर टेक ऑन इट, डू यू थिंक के अच्छा स्टाफ जो है ना वो टीम की परफॉर्मेंस में मैटर करता है? देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि कोच का या मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता। देखिए काम लेना भी इज एन आर्ट, यस, कि आप किस तरह से उनके लिए जो भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जो जो सुकून में आए प्लेयर या उससे छोटी मोटी जो गलतियां हो रही हैं उसमें उसे साथ लेके चलें ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, और ये लीग बड़ी लंबी होती है बिल्कुल, तो टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इनिशियली आप एक तो ड्राफ्ट में जो प्लेयर पिक करते हैं, फिर अगर प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है, उसामा मीर को हमने बहुत बार बात की, बट देयर इज अ क्लियर डिफरेंस, ये बंदा यॉर्कर भी करा रहा है, ये गुड लेंथ से लेफ्ट हैंडेड को आउट कर रहा है, मतलब वी कुडंट सी ऑल ऑफ दिस इन द इंटरनेशनल सेटअप। तो जब फिर जब प्लेयर स्ट्रगल करता है ना तो उसके साथ टीम मैनेजमेंट कैसे खड़ी होती है, वही बाकी लोग भी देख रहे होते हैं, सो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आता है। मुल्तान ओवरऑल इसमें बहुत अच्छी है, जिसका उन्हें फायदा होता है। फिर रिजवान भी बाजों का तो हमने भी तनकीद कर दी कि भाई अब गले मिलने चले गए, इतना भी अच्छे ना हो जाओ, आपने की थी सर, मैं तो सवाल छोड़ा, नहीं आप भी आप कह रहे आप बाहर ये आप कैमरा आप लोगों को उकसा रहा होता हूं ताकि आप बोले, वो गलत चीज थी ना, ठीक है जी 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 हां, कतई तौर पे ये नहीं होता कि आप उसे बुरा भला ना कहें, लेकिन वो भी क्योंकि अगले मैच में देखा ना, या तो इतना दिखाते कि फिर खुशदिल को भी अगर एक गलत चीज है फिर आप खामोशी नहीं नहीं फिर आपने इनिशियली किया, जब खुशदिल ने तो कह छोड़े तो आपको भी गुस्सा आ गया था, तो वो चीज होती नहीं। आप ठीक है टीम को साथ लेके चले, बट ओवरऑल रिजवान जिस तरह टीम को मैनेज कर रहा है, उनकी मैनेजमेंट तो उन सब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मुल्तान के यहाँ तक खड़े होने में। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम अपने सोशल मीडिया व्यूअर्स को खुशखबरी सुना देते हैं, कल के जो विनर थे क्वेश्चन ऑफ द डे के, उनकी मोहम्मद अरकम साहब हैं कल के विनर, ही इज गोइंग टू गेट द प्राइज फ्रॉम बोल न्यूज अगेंस्ट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड यस्टरडे, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमने पूछ लिया है, सो हमारे सोशल मीडिया के व्यूअर्स आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब दे के एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। हारून भाई हमने प्रिडिक्शन कर ली है और कुछ हद तक हमने ये कवर किया है, और हम ये कराची के जो फैंस हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि कराची हैज दैट कैपेबिलिटी, दे हैव अ चांस, और हारून भाई ने उनको पिक भी किया है आज को। डू यू थिंक के मुल्तान सुल्तान के लिए एक चीज़ जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी वो उनको कराची की पिच पे अडाप्ट करना पड़ेगा? देखिए एक तो मैं आपको बताऊं, जो भी मैं इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा, जो कि फवाद ने कोचिंग स्टाफ कोचेस का, हाँ कोचिंग स्टाफ जो है ना वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। मेरा जो मुझे कराची का जो कोचिंग स्टाफ है ना वो इतना प्रोएक्टिव नज़र नहीं आता। मैंने एक मैच में आगे देखा कि जो मशहूर हैं वो आगे फिल सिमंस से कोई बात कर रहे हैं किसी इशू पे जो अंदर हो रही है, एंड फिल सिमंस जो है उसको इतना ज़्यादा यू नो वो नहीं कर रहे, एक्नॉलेज नहीं कर रहे और कह रहे हैं बस ठीक है जो हो रहा है वो है। मेरे जब मैं मुल्तान के कैंप में देखता हूँ तो सब इकट्ठे बैठ के वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड देन जहाँ उनको फीडबैक अंदर देना होता है कि इस पर क्या हो रहा है, वो कप्तान को मैसेज भिजवाना, बैट्समैन को मैसेज भिजवाना, और जब वो टाइम आउट होता है उसमें वो डिस्कस करते हैं। ये इसलिए हो जाता है ना सर कि वो तीन चार साल से एक साथ काम कर रहे हैं, कराची हर साल अपनी मैनेजमेंट चेंज करता है, दिस इज रॉन्ग ना। मेरे अपने नज़दीक ये है कि यू नो कराची जो भी यू नो जो टीम मैनेजमेंट होती है, जो कोचिंग स्टाफ होता है, वो कोशिश करते हैं कि ड्रेसिंग रूम के माहौल को इतना काम एंड कूल रखे कि जो प्लेयर्स हैं जो उनका रोल है सिर्फ उनका रोल उनकी तरफ ध्यान हो। Absolutely. क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप गलत आउट हो गया कि बल्ला मारते हैं ये करते हैं, उस वक्त वो सिचुएशन जो है किस तरह कंट्रोल करनी है वो टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ। फवाद भाई लास्ट 40 सेकंड्स, क्या मुल्तान को यहाँ अडॉप्ट करना मुश्किल हो सकता है? नहीं कतई नहीं, नहीं मुल्तान जिस किस्म की कंडीशंस
अपने होम ग्राउंड उससे मिलती जुलती सपोर्ट है सर, जिस टीम को लिया है उसको लिया है कराची में। आप देख लेना जो मुल्तान, अगर स्पिनर्स की भी आप बात करें या वहां भी जिस तरह से नहीं नो डाउट उससे मिलता जुलता है। लाहौर और इस्लामाबाद थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपको लगता है फैसल अकरम आज खेल रहे होंगे मुल्तान की तरफ से? खेलना तो चाहिए, देखिए आप अच्छी पोजीशन में, लड़का अच्छा कर रहा है तो आप क्यों उसे रोकेंगे? और इन कराची में तो बनता है उसका। बिल्कुल सही है। एक चीज मुझे नहीं हमें पता चली हमारे व्यूअर्स को, अगर कायरन पोलार्ड नहीं आते तो आप लोगों के हिसाब से हु इज द वन हु शुड प्ले इन प्लेस? देखिए मिडिल ऑर्डर में उनके पास फॉरेन प्लेयर तो मुझे कोई ऐसा जितना नजर आ नहीं रहा। वो क्या ऊपर कोई चेंज करेंगे, किसी पाकिस्तानी लोकल प्लेयर को लेके आएंगे? बिल्कुल सही, जो ऊपर ऐड हो जाए और मिडिल ऑर्डर में किसी को नीचे ले आए। All right, so we'll have to see as to what playing 11 Karachi goes with. उम्मीद करते हैं कि आज का मैच अच्छा हो। Shamsi is the key today. Shamsi is the key today. That's the message from the center. Keep watching our show. We have to close it, close the show right now. So हम कल दोबारा मिलेंगे आपसे। Keep watching our show. We'll see you tomorrow. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।